क्या आपने अभी तक गणेश लक्ष्मी रुद्राक्ष को ऑर्डर नहीं किया है? या कुछ लोग शायद आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे होंगे, रोज नए सब्सक्राइबर्स जुड़ते हैं, तो उनके लिए ये गणेश लक्ष्मी रुद्राक्ष के दर्शन में लेकर आया हूँ। ये गणेश लक्ष्मी रुद्राक्ष यानी कि माँ लक्ष्मी का साक्षात रूप, अगर इस दीपावली में इनकी पूजा करेंगे तो निश्चित तौर पर धन वर्षा होगी और इसके साथ में आपको ये सौभाग्य पोटली दी जाएगी। इस पोटली में क्या होगा, माँ लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए वो आइटम जो माँ लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय है। और इसके साथ में आपको क्या मिल रहा है, ये किट जो विशेष आइटम है जो माँ लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय है। और इसके साथ में क्या मिल रहा है, लाजवर्द का एक स्टोन। और इसके साथ में नजर बट्टू घर के दरवाजे पे लगा दीजिए, शत्रु भाग जाएगा। दुकान के आगे लगा दीजिए, शत्रु निकट नहीं आएगा आपकी दुकान के व्यापार के। और ये टोटल जो चीजें हो गई, ये 31 आइटम हो गए। और इसमें गणेश लक्ष्मी रुद्राक्ष चांदी में मढ़े हुए और स्फटिक का षड्यंत्र। तो 31 आइटम से पूजा करिए माँ लक्ष्मी की और इनको एक बार ले लीजिए, वर्ष भर अपने घर में रखिए। और इसके साथ साथ अभी 10% की अतिरिक्त छूट भी आपको दी जाएगी। और ये दीपावली का शुभ अवसर है तो 10% की छूट लीजिए। और इसके साथ में क्या मिलेगा आपको, बहुत कुछ सरप्राइज भी आपको इसके साथ में मिलेगा। और L55 लिखकर व्हाट्सएप करें दिए गए नंबर पर, L55 L55, तो आपको ये ऑर्डर बुक हो जाएगा और आपके घर कोरियर से भेज दिया जाएगा। और जल्दी ऑर्डर करेंगे तो इस दीपावली में जल्दी आपके घर माँ लक्ष्मी आ जाएंगी। अब हम बात करेंगे सुबह के संक्षिप्त पांचांग की, 29 अक्टूबर 2021 के राशिफल की। सूर्योदय होगा 6:29 AM पर, सूर्यास्त है 5:37 पर, वार शुक्रवार, तिथि अष्टमी, चंद्र राशि कर्क, सूर्य राशि तुला, पक्ष कृष्ण पक्ष अभिजीत मुहूर्त 11:41 AM से लेकर 5:38 AM तक, राहु काल 10:40 AM से लेकर 12:03 PM तक। ये जो संक्षिप्त पांचांग है ये आपके शहर के अनुसार, आपके देश के अनुसार कुछ मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। शुभ समय में शुभ काम और अशुभ समय में रखेंगे सावधानी, ईश्वर का नाम जपेंगे और खुद को सुरक्षित रखेंगे। आज आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो क्या करना है, आज भगवान के चरणों में जाकर फूल चढ़ाएं और आशीर्वाद लें और आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आपकी राशि की, ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो अब आपकी राशि के लिए आने वाला दिन किस प्रकार से घटित होगा, क्या अच्छा क्या बुरा, एक उसका इशारा मात्र मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप आने वाले दिन की तैयारी पहले से कर लें। और फिर कहूंगा L55 लिखकर इनको मंगाना ना भूलें, क्योंकि ये है तो फिर आशीर्वाद है माँ लक्ष्मी का। बात करते हैं आपकी राशि की, बात करेंगे मिथुन राशि की। तो कड़ा संघर्ष का दिन है आज, आप अपने आप को मुसीबतों से बचाइएगा, सावधान रहिएगा, थकान हो सकती है, टेंशन ज्यादा हो सकती है, नींद पूरी नहीं हो इसकी वजह से थोड़ा आलस आ सकता है, छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा तकरार हो सकती है। जो भी निर्णय लेंगे कठिन मेहनत कराएगा, लेकिन किसी काम को रोकने की जरूरत नहीं है, काम करते रहिएगा, कड़ी मेहनत से रिजल्ट मिल जाएगा, पैसा भी आएगा, संबंध भी मधुर हो जाएंगे। छोटे छोटे झटके लगेंगे आज, लेकिन उन झटकों से घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपकी संतान खुश खबरी सुनाएगी आपको और जीवन साथी का प्यार आपके साथ होगा। ऑफिस में कोई अच्छी खबर मिल सकती है, यात्राओं में थोड़ा सा संभल कर यात्रा करें, किसी भी काम को शुरू करें तो पूरा करने की कोशिश करें, उस काम से ऊबे नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। मौज मस्ती में समय व्यतीत होगा, विपरीत लिंग के साथ अच्छी बातचीत चलेगी, रोमांचक किससे कहानियां सुनेंगे सुनाएंगे, अच्छा टीवी पर अच्छे सीरियल वगैरह देखेंगे, टाइम पास करेंगे। उलझनों में तो रहेंगे, लेकिन उलझनों से लड़ने का तरीका आपको बखूबी आता है, आप जल्दी उससे निकल जाएंगे। काम का प्रेशर होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता मत करिएगा, जितना हो सके उतना करिएगा, जान है तो जहान है। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में कोई परीक्षा या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, दिन बढ़िया रहेगा। आपने अपनी राशि का राशिफल जाना, आज के उपाय क्या है, आज क्या करना है, आज करना है गौ को हरे रंग का कोई भी जो सब्जी होती है वो खिला दें या उसके चारे का इंतजाम कर दें। और गायें जहाँ पर खड़ी होती हैं उनके पैरों के नीचे की जो
मिट्टी होती है उसको माथे पर लगा लें, इससे आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। सुबह शाम आप किसी भी वक्त ये काम कर सकते हैं, और अगर ये संभव ना हो तो अपनी माता जी के चरणों का आशीर्वाद लीजिए और माता जी की मन की कोई एक ख्वाहिश पूरी कर दीजिएगा, आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। इतना कर लेने से भी दिन आपका बहुत बेहतरीन होता चला जाएगा। और फिर कहूंगा L55 लिखकर गणेश लक्ष्मी रुद्राक्ष को मंगाना ना भूलिएगा। और अंतिम बात, अभी से हम क्यों ना माँ लक्ष्मी को बुलाना शुरू करें, दिन नजदीक आ रहे हैं माँ लक्ष्मी को घर बुलाने के, तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। नमस्कार।